जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न लिखा हुआ है, यदि Q 0.1 बिंदुओं P 5.-3 और बिंदु R 1.6 से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात कीजिए। दूरियाँ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए और एक बिंदु को P और दूसरा बिंदु को R लिख दीजिए और इसके समदूरस्थ में यानी कि इसके मध्य में एक बिंदु है जो Q है। ठीक है, और सभी का यहाँ पे बिंदु मान दिया हुआ है। P का दिया हुआ है 5.-3, R का दिया हुआ है 1.6 और Q का दिया हुआ है 0.1। ठीक है, 0.1। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो Q बिंदु है यह P और R से समदूरस्थ है यानी कि समान दूरी पे है। तो आप इसे दूरी सूत्र से हल करके और सबसे पहले आपको X का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे यहाँ पे हम दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आपका क्या है, आप सबसे पहले लिख लीजिए दूरी सूत्र से क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको PQ बराबर क्यू आर है। ठीक है, क्योंकि इसके ये जो बिंदु Q है ना यह P और R से समदूरस्थ है, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, आपका क्यू आर हो जाएगा। आप दूरी सूत्र आप पढ़े हैं या आपको फॉर्मूला याद होगा दूरी सूत्र का, x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर दूरी सूत्र जब क्यू आर के लिए लगाएंगे तो इसमें भी सेम x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। अब आपको PQ के लिए देखना है x2 और x1 और इसी में देखना है y2 और y1। तो PQ यहाँ पे करते हैं, ये हमारा x1 हो जाता है, ये y1। ठीक है, और यहाँ पे x2 और y2 हो जाता है। x2 आप देखेंगे कि आपका 0 है, यहाँ पे लिख देंगे 0-x1 देखेंगे 5, 0-5 का स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे, y2 आपका 1 है माइनस y1 कितना है, y1 आपका माइनस का 3 है। तो माइनस का 3 यहाँ आकर का क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और इसका स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, या आप ऐसा कीजिए इस अंडर रूट को ना यहीं पे काट दीजिए क्योंकि दोनों साइड अंडर रूट है इसलिए कट जाएगा, बराबर में आपका बच जाएगा। यहाँ पे देखिए x2-x1 है क्यू आर के लिए, क्यू और आर के लिए, इसको आप x1 कर लीजिए, इसको आप y1 कर लीजिए। x2 माइनस यहाँ पे x1 है तो x2 आपका क्या है, 0 है माइनस x1 क्या है, x1 आपका x है। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 देखेंगे आपका 1 है माइनस y1 क्या है 6। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, बराबर जब यहाँ पे -x का स्क्वायर करेंगे तो आपको x का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस का प्लस और यहाँ पे 1 में से 6 को घटाएंगे तो -5 और -5 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 25 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 25 जो है प्लस में और यहाँ भी प्लस में है तो जब इसको इधर लाएंगे तो कट जाएगा, इससे अच्छा हम यहीं पे इसे काट दिए। आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर बराबर का 16 और जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो जब बराबर की इसको हम दाहिना बायां साइड लाएंगे तो ये आपका 16 पे रूट चढ़ जाएगा यानी कि 16 रूट हो जाएगा, बराबर में एक्स बचेगा। अब आप देखेंगे कि जब 16 को रूट से बाहर करेंगे तो प्लस माइनस में 4 बराबर में एक्स, आपका एक्स का वैल्यू आ गया कितना, प्लस माइनस 4। अब आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं 4। ठीक है, जब आप एक्स का वैल्यू निकाल दिए तो आपको बोला है कि दूरियाँ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करें। अब यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से किसका, तो क्यू आर बराबर अंडर रूट। अब देखेंगे क्यू आर के लिए, अब देखिए क्यू आर आपका यहां है, क्यू आर के लिए
दूरी सूत्र आपका यहाँ पे लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है, ठीक है। तो QR बराबर आप कर दीजिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 माइनस x1, x2 आपका कितना है जीरो है, यानी कि जीरो माइनस x1 कितना है, x1 आपका चार है, माइनस का चार, इसका कर दीजिए स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है एक है, एक माइनस y1 कितना है छः, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर बराबर अंडर रूट में हो जाएगा आपका, जब जीरो में से चार को घटाएंगे तो माइनस का चार, और माइनस चार का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिल जाता है सोलह, प्लस यहाँ पे कीजिए तो एक में से जब छः को घटाइएगा तो माइनस का पाँच मिलेगा, और माइनस पाँच को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको पच्चीस मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर बराबर आपको यहाँ से इसको आप जोड़ लीजिए, आपको मिलेगा अंडर रूट इकतालीस, और यही आपका क्यू आर का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट में बोला है कि आप पी आर भी ज्ञात कीजिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से पी आर बराबर, पी आर बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इस बार आपको P और R ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसको X2 कर दीजिए और इसे Y2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको X1 और X2, Y1 और Y2 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला तो लिखा हुआ है दूरी सूत्र का, आप सीधे यहाँ पे मान बैठा दीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए। X2 माइनस X1 पी आर के लिए X2 आपका क्या है चार है, प्लस सॉरी माइनस X1 आपका क्या है पाँच है, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस y2, y2 आप देखेंगे छः है, माइनस y1 आपका तीन है, वो भी माइनस में, तो यहाँ से माइनस तीन जब जाएगा यहाँ पे तो यह प्लस तीन हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए और आपको PR का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चार में से जब आप एक को घटाएंगे, सॉरी चार में से जब आप पाँच को घटाएंगे तो आपको माइनस का एक मिलेगा, और माइनस एक का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको एक मिलेगा, प्लस का प्लस, छः और तीन को जोड़ेंगे नौ, और नौ का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इक्यासी, ठीक है। और जब इक्यासी में एक जोड़िएगा तो पी आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, अंडर रूट बेरासी, ठीक है। पी आर का वैल्यू आपको एक मिल गया बेरासी, लेकिन देखेंगे कि आपकी हम फर्स्ट बार में लिखे क्या है कि यहाँ पे प्लस चार का वैल्यू रख करके हम इसको बनाए हैं, आपकी हम पी आर का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस चार का, ठीक है, माइनस चार रख करके हम वैल्यू इस बार निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं माइनस चार, पुनः पी आर बराबर अंडर रूट, डायरेक्ट हम इसको वैल्यू बिठा दे रहे हैं और उसे सॉल्व कर दे रहे हैं, इस बार आपको माइनस चार रखना है, माइनस का चार, और माइनस आपका हो जाता है यहाँ पे पाँच, और इसका स्क्वायर, प्लस वाई टू, वाई टू देखेंगे आपका छः है, और प्लस वाई वन आपका थ्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दिए क्योंकि हम माइनस था फार्मूला में, और यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस यहाँ पे आकर का प्लस हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस चार और माइनस पाँच, माइनस नौ, माइनस नौ का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इक्यासी, प्लस छः और तीन नौ, नौ का जब आप यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो आपको यहाँ पे हो जाएगा इक्यासी। अब आप देखेंगे कि इसे जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपको मिल जाता है कितना, 162, और जब आप 162 को रूट से बाहर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 9√2, और दूसरा पी आर का जो वैल्यू है ये आपका आ गया 9√2, ठीक है बच्चों। आप इसे अपने नोटबुक में उतार लीजिए ताकि आपको परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से, जय हिंद।